नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ टोंक जिले की पंचायत समिति टोडा रायसिंह की ग्राम पंचायत गोपालपुरा से हमारे साथ मीरा देवी जो यहाँ से सरपंच बनी है, तो सबसे बड़ी जीत हुई इनकी और उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कन्हैयालाल जी गुजर हमारे साथ हैं, तो इनसे बात करेंगे भी पंचायत के अंदर कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका ये समाधान करेंगे और इनके बारे में बता दें। पहले भी ये जनता की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे पंचायत के लिए राशन डीलर के रूप में, इनके भाई जो राशन डीलर की दुकान चला रहे हैं, तो जो पंचायत के अंदर सरपंच बनने का कारण क्या रहा और जो आज राजस्थान के अंदर जो 50% महिलाओं का आरक्षण किया है, महिला एक चूल्हे से चल कर और पंचायत का जो महिला सबसे बड़ी जो जुम्मेवारी संभालती है घर की, तो उसी के अंदर मीरा देवी गुजर यहाँ से सरपंच बनी है, तो अभी पंचायत की जुम्मेवारी भी संभालनी पड़ेगी घर के साथ साथ, तो इनसे बात करेंगे पंचायत के अंदर प्रमुख समस्या क्या है। तो कन्हैयालाल जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जीत की। धन्यवाद साहब, पहले तो आपको हमारे घर पधारे हुए जी जी, तो और मेरा तो कहना यही है सरकार से, कांग्रेस सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ जो इसने आरटी पास योग्यता हटवाई जी, ये भी अच्छा है। और मेरा तो कहना ये, एक तो पंचायत की समस्या ज़्यादा गौशाला की है जी जी, और एक खनन विभाग का है, ये भी चलना चाहिए जी जी। ये अब लोग कहते हैं विकास विकास कहाँ से होगा जी, जब खनन नहीं बंद है जी जी, तो विकास कहाँ से होगा, ये खुलना चाहिए जी, और हर पंचायत में गौशाला खुलनी चाहिए जी। तो कन्हैयालाल जी, जैसे मीरा देवी जी यहाँ से आपके अभी सरपंच बने हैं, तो आपके परिवार के अंदर सरपंच यही, तो पंचायत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका आप समाधान करोगे? हमने देखा आज भी पानी की जो सबसे समस्या सबसे बड़ी पंचायतों के अंदर देखी जा रही है, वो पानी की देखी जा रही है। देखो, समस्या तो ऐसी है जो हर घर में नल लगना चाहिए जी जी, सरकार को यही निवेदन करता हूँ, और हर घर में नल लगना चाहिए, और जैसे पानी का टैंक बनना चाहिए गाँव में, और कुआ बावड़ी का काम होना चाहिए, ये भी खंडत पड़ी हुई है, ये है सब जी। तो जैसे बात करेंगे पंचायत के अंदर, जब प्रथम न्यायपालिका माना जाता है ग्राम पंचायत को, जो जनता को न्याय नहीं मिल पाता, जनता को छोटे छोटे झगड़े के लिए थाना या कोर्ट जाना पड़ता है, तो आपके जैसे मीरा देवी जी के कार्यकाल के अंदर 5 साल के अंदर क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? देखो, जनता जैसे जनता के बीच में खड़ा रहूँगा जी जी, और जनता की न्याय यहीं करूँगा जी जी, और थाने तपाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, ऐसी बात है। तो कन्हैयालाल जी, जैसे बात करेंगे सरकार की जो मूलभूत योजना होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, बहुत सी योजना आती है तो जनता तक नहीं पहुंच पाती, तो आपके जो कार्यकाल के अंदर क्या जनता तक वो योजनाएं पहुंच पाएगी? देखो, मेरे कार्यकाल में 100% जो भी योजना आएगी वो पब्लिक के सामने होगी, ये बात। तो जैसे आपको यहाँ से मौका मिला है 5 साल के अंदर, और आपके जो पिछली बार जो सरपंचों की जो लड़ाई थी, 24 सूत्रीय मांग थी सरपंचों की, तो कांग्रेस सरकार बनने से पहले सचिन जी पायलट ने ये बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरपंचों की 24 सूत्रीय मांग पूरी करेंगे, तो आपका सचिन पायलट जी का जो गृह क्षेत्र है वो आप ही के विधानसभा से आता है और आपकी जो ग्राम पंचायत है, तो क्या ये जो 24 सूत्रीय मांग है, तो आपको क्या लगता है अब की बार आप ये मना पाओगे? आप देखो, पायलट साहब से यही उम्मीद है जो हमारी मांग पूरी होनी चाहिए और उम्मीद भी है होगी जी। तो जैसे आने वाले टाइम के अंदर 5 साल के अंदर, जैसे हमने देखा है पंचायतों के अंदर काफ़ी गंदगी फैली हुई है, भारत स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय का जो निर्माण हुआ, ODF हुई ग्राम पंचायत, लेकिन धरातल पे नहीं हुई, तो आपके कार्यकाल के अंदर ये एकदम सही धरातल पे देखने को मिलेगी? ज़रूर मिलेगी साहब जी, जो भी कोई समस्या है गाँव की, नाली की, उनको सफाई करवाएंगे और जो भी कामों का जो खड़ा रह के काम करवाएंगे जी। तो ये जो जीत का सिर है, सबसे बड़ा जो जीत का सिर है, आप किसको देना चाहोगे? देखो, ये तो हमारे, मैं राशन डीलर का काम करता हूँ, मेरा भाई का नाम है लाइसेंस तो जी जी, लेकिन काम मैं करता हूँ जी, तो मैं इसी को देता हूँ जी, राशन डीलर को और पब्लिक की सेवा मैंने की है जी, इस वजह से आज मेरे को ये पद मिला है जी। तो बहुत से सरपंच आते हैं, वादा करते हैं, तो अब की बार जो कन्हैयालाल जी के मैसेज को यहाँ से जो मौका मिला, तो इन्होंने बताया पंचायत के अंदर जो भी समस्या प्रमुख समस्या उसका समाधान करेंगे और सरकार की मूलभूत योजना है वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। तो एक बार फिर दोबारा हमारे इनसे बाद में मुलाकात होगी, 2-3 साल के बाद में जब भी मुलाकात होगी तो जनता से बात करेंगे भी, जो यहां से इनको जो मौका दिया था सरपंच के लिए, तो क्या वो जनता की जो समस्या उसका समाधान हुआ या नहीं हुआ। हमारे सहयोगी मदन लाल के साथ मैं सुभाष चौधरी।